अर्णव एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में गोंड महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। रांची बंडा पत्थर अंबेडकर पार्क में गोंड महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। यह पुराण जैसे रामायण भागवत गीता होती है, इसी प्रकार से गोंड महापुराण का आयोजन 22 तारीख से 28 तारीख तक किया जाएगा। इसमें सभी गोंड जाति के लोगों से आग्रह किया गया है कि वह 22 तारीख से 28 तारीख तक इस पुराण में शामिल होकर धर्म का लाभ उठावे। जबलपुर से आशीष महोबिया की रिपोर्ट। कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा आप हमको बताएं। गौड़ी पुले हम लोग करवाने जा रहे हैं रांची क्षेत्र बड़े पत्थर में, ऐसे आदिवासी पुराण के रूप में इसको जाना जाता है। हम लोगों का 22 तारीख से प्रोग्राम स्टार्ट है। इसमें 22 तारीख को हम लोग की कलश यात्रा निकलेगी जिसमें रांची पूरा भ्रमण किया जाएगा। 23 तारीख को हम लोग की जीव सृष्टि जगत की उत्पत्ति की पूजा रहेगी। 24 तारीख को हम लोग के धर्मगुरु गोपाल लिंगों की गाथा रहेगी और 25 तारीख को हम लोग की काली बंगाली माता की दाई का जन का पूरा गाथा रहेगा और 26 तारीख को हम लोगों ने वहाँ भंडारे का आयोजन किया हुआ है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जबलपुर वासियों को? जबलपुर वासियों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आदिवासी समाज के जो व्यक्ति हैं, जिनको लोग शोषण की नज़रों से देखते हैं और शीन नज़रों से देखते हैं, उनको हम अवेयर करना चाहते हैं और उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि मतलब इस प्रोग्राम के माध्यम से वो जागरूक हों और घर से बाहर निकलें और अपनी ताकत को पहचान सकें कि मतलब वो किसी से कम नहीं है, वो सबके बराबर से कंधा मिला के अपने काम कर सकते हैं। पूजा पद्धति और संस्कृति के बारे में भी उनको इस बारे में जानकारी दी जाएगी। जी, ये कहाँ पर हो रहा है आपका ये कार्यक्रम, किस जगह पे हो रहा है? ये रांची बड़ा पत्थर क्षेत्र में किया जा रहा है, अम्बेडकर पार्क, रांची बड़ा पत्थर। बताएं, अम्बेडकर पार्क, रांची बड़ा पत्थर। अपना नाम बताएं। प्रीति ठाकुर। आगामी 22 फरवरी 2023 से 26 फरवरी 2023 तक कोया पुलेंग पुराण का कार्यक्रम रखा गया है रांची बड़े पत्थर जबलपुर में। 22 तारीख को हमारी कलश यात्रा उससे हम प्रारंभ करेंगे और उसमें ये जो हमारे दीपक शाह दीवान साहब ध्रुवी जी हैं, जो हमारे धर्माचार्य हैं, ये उसके में प्रमुख रूप से वो रहेंगे और पूरे 6 दिन हम जो आदिवासी समाज की गोंडी समाज की प्रमुख तौर पर आदिवासी समाज की कथाओं के बारे में, उनके संस्कारों के बारे में, उनकी सभ्यता के बारे में, उनकी पूजा अर्चना जो है किस तरीके से होती है और उसका क्या विधि विधान है, कितने देव हैं, उनके बारे में विधि विधान से ही हमारा कार्यक्रम चलेगा। 26 तारीख को इसका समापन है और ये विशेष बात हम कहना चाहते हैं कि ये जो कोया पुनेम पुराण का कार्यक्रम है ये जबलपुर में पहली बार है। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में होता रहा, जो हमारे आदिवासी अंचल हैं उन अंचलों में लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं। जिस तरीके से भागवत चल रही है शहरों के अंदर, ग्रामीणों के अंदर, उसी तरीके से हमारे आदिवासियों के अंदर भी, आदिवासी समाज जो आदिवासी अंचल हैं उनके अंदर हमारे पौराणिक कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन ये नगर के हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जबलपुर शहर के अंदर पहली बार ये कोया पुनेम पुराण का कार्यक्रम रखा गया है आपके माध्यम से, नगरवासियों से, और आपके माध्यम से हम तमाम नगरवासियों से, विशेष तौर पर आदिवासी समाज के अपने भाइयों से, अन्य समाज के लोगों से भी हमारी गर्वबद्ध प्रार्थना रहेगी आदिवासी समाज की तरफ से इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों, हमारी भी रीति नीति को, हमारी भी संस्कृति को, हमारे भी संस्कारों को जानने समझने का काम करें। इसी बात के साथ मैं अध्यक्ष गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ जबलपुर नेम सिंह मरकाम।